हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान के महीने में डिहाइड्रेशन या पानी की कमी का होना एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और ये खास तौर पे उन इलाकों में होता है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है या फास्टिंग आवर्स ज़्यादा होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वो कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप डिहाइड्रेशन या पानी की कमी को रमज़ान के महीने में प्रिवेंट कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आप लोगों को कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो द टिप नंबर वन इज़ कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स, मीठे मशरूबात और कैफीन जो कि आपकी चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है, इनका इस्तेमाल कम करना है या फिर इनसे आपने बचना है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करने की बजाय ये मजीद कमी का बायस भी बन सकती हैं। इनके अलावा आप सादा पानी, इसके अलावा दूध, फ्रेश जूसेस और हर्बल टी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। वो फ्रूट्स जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है, जिनमें वाटरमेलन, क्यूकम्बर और सिट्रस फ्रूट्स शामिल हैं, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स और सब्जियां हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। ये थ्रू आउट द डे आपको हाइड्रेट रखते हैं और पानी की कमी नहीं होने देते। रोज़ा खोलने के बाद आप कोशिश करें कि इनफ वाटर इनटेक करें, फ्लूड्स इनटेक करें, जिसमें आप सादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, मिल्क यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट जूसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आप वक्फे से पानी पीते रहें और 8 से 10 ग्लास जो कि एक रिकमेंडेड अमाउंट है पानी की जो कि आपने पूरे दिन के अंदर पीनी होती है वो इस्तेमाल करें ताकि आपके बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो सके। और कोशिश करें कि बाहर धूप में काम ना करें, खुद को हीट वेव से बचाएं। अगर आपने आउटसाइड काम करना है तो मेक श्योर करें कि किसी साए वाली जगह पे काम करें ताकि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो। और मेक श्योर करें कि इफ्तार के टाइम आप ओवर ईटिंग और बहुत ज़्यादा फ्लूइड इनटेक ना करें, क्योंकि ऐसा करने से ना सिर्फ आपके पेट में खराबी होगी बल्कि एट द एंड आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन का बायस भी बन सकता है। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है तो ऐसी कंडीशन में आप अपने हेल्थ प्रोफेशनल से रब्ता करें ताकि वो आपको इस बारे में बेहतर गाइड कर सकें। ये बात याद रखें कि डिहाइड्रेशन के बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जिसमें आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है, इसलिए आप कोशिश करें कि डिहाइड्रेशन से खासतौर पर रमज़ान के अंदर बचें और दूसरों का भी इस बारे में गाइड करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको कुछ हेल्प मिली है इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। Till the next time, have a good day.